अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं राहिम कामरान। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं मौजिद कामरान। दोस्तों आज हमने इतने टाइम बाद ब्लॉग बनाया, बहुत सारी आपको चेंजेस देखने को मिलेंगी मुर्गा मुर्गियों में। अभी मैंने दाना डाला है, देखें आप, ये भी हमने नया मुर्गा लिया, इसका हम आपको शॉक कराते हैं। तो दोस्तों ये जो है हमने काला मुर्गा जो था हमारे पास वो हमने बेच दिया, और एक जो पट्टी मुर्गी थी हमारे पास सिंधी टाइप में जावा में इस मुर्गे की तरह थी, वो भी हमने बेच दिए, और एक और जो नई मुर्गी ली थी वो भी हमने बेच दिए। अभी ये सिर्फ काले चूजे बचे हैं और वो चार चूजे भी हमने बेच दिए, देखें आप। अभी ये चार चूजे, ये मुर्गा है माशाल्लाह से, ये देखें आप शौक करें इसका। और ये वो शाम होगी हमारे पास एक मुर्गी पड़ी है, इसका भी हम आपका शौक कराएंगे, ये देखें आप। तो दोस्तों अभी हम आपको पकड़ के भी शौक कराते हैं, आप देखिएगा कैसा मुर्गा है ये। मुर्गा चेक करें आप, आँख दिखाते हैं इसकी आपको, आँख पे बिलर आ रहा है अभी हमें, देख तो बहुत बार दिखाते हैं आप, आँख चेक करें इसकी, देखिए पीली चोंच, नोक नली में पीला है ये, देखें ये दूसरी आँख है, देखें जवान मुर्गा है अभी ये, ये पल्ले चेक हैं, छोड़ो दोस्तों। ये जो मुर्गा है जागीरी नस्ल से बिलोंग करता है ये। अभी हम आपको ओ शामो जो मुर्गी है इसका भी आपको शौक कराते हैं, देखें माशाल्लाह से। और जो है हमने हमारी जो चितकबरी मुर्गी थी हमने वो भी अंडों पे बिठाई है, अभी वो भी दिखाते हैं आपको, हमने अंडों पे बिठाई है, हम आ गए हैं उसके बाद अभी आपको दिखाते हैं। देखें ये उसी जगह पर हमने बिठाई है, ये मेरे ख्याल 10-11 अंडों पर बैठी हुई है, ये देखें माशाल्लाह से, और बैठे हुए भी पूरी अच्छी तरह से, सेक वगैरह सब चीज़ें अच्छी दे रही है, ये देखें हल्का सा चीट क्या दे रही है। इसके बच्चे मुर्गी के निकलेंगे तो वो भी आपको दिखाएंगे, अभी हम तोते वाले सेटअप पे भी जाएंगे, जब तक कि आपको ओ शामो का शौक करा दें। तो दोस्तों ये ओ शामो का आप शौक करें, ये भी आँख बंद कर दी है, मैं आपको दूसरी आँख दिखाती हूँ, ये देखें माशाल्लाह से, अभी आपको छोड़ के भी दिखाएंगे, हो सकते हैं पकड़ने की वजह से आँख बंद कर रही है, ये देखें माशाल्लाह, ये हमने बिल्कुल छोटे छोटे थे चिक्स ही लिए थे, ये देखें आप इसकी चोंच भी, देखें आप इसकी कैसी चोंच है, चेहरा वगैरह आपको पाँव भी दिखाते हैं इसके, अभी आपको इसको छोड़ के भी दिखाते हैं, छोड़ दोस्तों, अभी हम आपको अभी चूजे भी दिखाते हैं, अभी ऊपर चलते हैं वहाँ पे ऊपर चूजे रखे हुए, तो अभी हम आपको चूजे भी दिखाते हैं, वो देखते हैं। यहाँ पर हम अपने मुर्गी के बच्चे के पास आ गए हैं, अभी आपको दिखाते हैं ये, तो दोस्तों ये देखें ये 6 बच्चे हैं, देखें आप, अभी इनको दवाई वाला पानी भी रखा है, देखें। और एक जो आप बोल लेंगे इसमें वाइट चूज़ा कहाँ है, तो जो है वाइट चूज़ा जो है हमारा परसों तरसों ही मरा था, और उसका था भी कमज़ोर, फैंसी मुर्गी का बच्चा था, तो इस वजह से मर गया, उसकी जो है वो कमज़ोर भी काफ़ी था, तभी यही जो है 6 चूज़े बचे हैं, ये देखें आप। तो दोस्तों अभी हम जो है तोते वाले सेटअप पर जाते हैं, तो आपको दिखाते हैं तोतों का भी सेटअप, तो ये देखें हम आप तोते वाले सेटअप पर आ गए हैं, अभी आपको ये दिखाते हैं पूरी सेटअप का, ये देखें फॉक्स यहाँ पे ऑस्ट्रेलियन थे, तो यहाँ पर हमने ना फॉक्सटेल की कॉलोनी बना दी है,
इसमें क्रीम कॉकटेल है और दूसरा बॉल से एक में क्या है चार बॉल का बच्चा पड़ा हुआ और एक में है ये जो है देखें सामने को लिया के फल कॉकटेल में था ये देखें ये हमारा एक कॉकटेल ये बाहर निकला ये देखें घेरा अब इसको पकड़ के डालते हैं और ये जैसे ये जो है ना ये काला वाला जैसे क्रीम मार दी थी और ये जो बराबर में वाइट वाइट के बराबर में जो कॉकटेल बैठा हुआ है इनों के बराबर में इसके साथ वाइट मार दी थी तो हमारे पास ऐसे बच्चे आ गए ये हो गया घेरा अब इसको पकड़ते हैं हम ये गिर गया ये हमारा है ये हमारा पकड़ने का नेट है ये नेट है पकड़ने का अब हम पकड़ते हैं दिखाओ पकड़ के पट्टा ये निकला था ये माशाल्लाह से अभी आपको छोड़ के दिखा देते हैं क्योंकि पकड़ते हैं पकड़ में नहीं आते जा जाए ये सारे जो है कॉक चार कॉल ये चार कॉल तो नहीं इसमें क्रीम और फॉर्म के लगे हैं तो दोस्तों ये देखें ये येलो ये जो दड़वा है ना यहाँ पे सिर्फ चार कॉल है और क्रीम के कॉक चार कॉल क्रीम और हम हमारे इसी स्कूलिया में बच्चे हैं और स्कूलिया में बच्चे हैं अब हम उतार के देखते हैं हम नीचे उतर लिया थे ये हमने दरवाज़ा बंद करते हैं लिया का ढक्कन उठा दो तो दोस्तों माशाल्लाह से एक बच्चा अंडा टूटा हुआ बच्चा निकला हुआ है देखें माशाल्लाह से ये मेरा ख्याल इनो का बच्चा है वाइट वाले जो होते हैं माशाल्लाह से कितना प्यारा बच्चा है और ये देखें बाकी अंडे हैं देखें ये भी टूट रहा है अंडा और ये अंडे हैं बाकी अभी हम आपको दूसरी को लिया प्रोग्रेस दिखाते हैं देखें तो दोस्तों माशाल्लाह से मेरे ख्याल तीन बच्चे हैं इसमें जो काफ़ी टाइम होगा चेक भी नहीं करें ये क्रीम के बच्चे हैं सारे क्रीम है कॉकटेल ये देखें माशाल्लाह से बच्चे हैं ये बाकी कुछ भी नहीं है कुलिया में देखें तीन बच्चे हैं और इसको रख देते हैं हम अभी हम आपको एक और कुलिया उतार के दिखाते हैं उसमें देखते हैं क्या प्रोग्रेस है माशाल्लाह से तीन अंडे ये देखें आप तीन अंडे ये भी हम आपको चेक करके बता देंगे ये सही है ख़राब है तो दोस्तों ये किसके बैग में ये है कि जो हमारे जो ये तीनों अंडे हैं ये तीनों ख़राब है ये यहाँ रखे हैं ये देखें जो अंडे ख़राब थे तो दोस्तों यहाँ पे जो है हमारा नॉइज़ का बहुत बढ़िया है ये आवाज़ का भी है बहुत जैसे आप कह रहे सीख रहे हैं देखें तो दोस्तों ये अभी कुलिया लगा रहे हैं आप चेक करें ये बहुत चीखते हैं तो दोस्तों हमने कुलिया लगा दी है कि आपको और दिखा दें टोटल हमारे जो है ये देखें माशाल्लाह से ये जोड़ा देखें लोडिनो का जोड़ा है ये सिंपल लोडिनो जो होते हैं इसके कितने एक दो तीन चार पाँच बच्चे हैं माशाल्लाह से ये जो लोडिनो है इसने हमारे पास अल्बिनो की अल्बिनो से ऊपर नस्ल होती है वो भी बच्चा निकाला है अभी आपको देख अगर वो दिख गया मेरे को तो वो भी दिखाता हूँ आपको देखिए माशाल्लाह तो दोस्तों ये देखें जो हम आपको बता रहे थे वाइट इसने हमारे पास एक ऐसा बच्चा निकाला था ये निकली मादी और ये रहा नर ये हमारे पास लोडिनो ने निकाला है ये देखें आप हम बाहर आए थे
ये क्रीमो भी नहीं है और ये अल्बाइनो भी नहीं है, इसका मैं नाम भूल गया। हल्का सा क्रीम शेड है इसके ऊपर, जैसे लोडिनो में क्रीमो होते हैं, क्रीमो नहीं है। ये देखें आप, इसका नाम भूल गया मैं, जब नाम ध्यान में आ जाए तो मैं आपको बता दूँ। तो दोस्तों अभी हम आपको ये और बच्चे दिखाते हैं लोडिनो के, जो लोडिनो में बच्चे नहीं है मेरे ख्याल, ये तीन जोड़ों में बच्चे हैं। देखें आप, ये इसमें दो बच्चे हैं, जिनके पार थोड़े उखड़े हुए हैं और दो बच्चे हैं। ये देखें अभी हम आपको इससे नीचे वाले जोड़े के पास दिखाते हैं बच्चे। तो दोस्तों ये देखें, ये अम्मा है इनके, और जो ये चार बच्चे हैं माशाल्लाह से, बच्चे भी अच्छे हो गए ये। देखें अभी इसके नीचे वाला जोड़ा है, इसके पास भी बच्चे हैं, तो मैं आपको वो भी दिखाता हूँ। ये देखें, ये बच्चा बैठा हुआ है एक, वो सामने दो बच्चे बैठे हुए जिनके कलर रेड हल्के हैं, जिनके दादा डार्क होते हैं वो पूरे मैच्योर होते हैं, मेल फीमेल होते हैं वो पूरे। ये देखें, ये ऑस्ट्रेलियन जो थे हमने इस कॉलोनी में शिफ्ट कर दिए थे, दो कॉलोनी हैं। ये देखें एक एरी एक एरी। अब इनमें जो मसले आ रहे हैं वो ये हैं कि जो है बजरी जब भी पाले ना, बजरी जो होते हैं ये, तो इनको अलग अलग जोड़े डालें, क्योंकि हमारे पास तो इतने केज नहीं है कि इनके अलग अलग जोड़े डालें। फिर ये जो है लड़ के बच्चे फेंक देते हैं, कभी अंडे ख़राब कर देते हैं, इसी वजह से हमारे बहुत से बच्चे मर गए। ये भी हम आपको दिखाते हैं, इनमें भी अंडे बच्चे। तो दोस्तों ये मादी बैठी हुई है, इसके पास नीचे में तीन अंडे, ये भी देखें बैठी हुई है। ये भी आपको दूसरी कुलिया में भी दिखाते हैं, देखें माशाल्लाह से बच्चा, ये तीन बच्चे हैं इसके पास जो आए थे। ये एक और मादी बैठी हुई है, इसको भी दिखाते हैं अभी आपको। तो दोस्तों इनमें भी अंडे, इसके पास अंडे हैं, और इनकी इसके पास देखते हैं, इसके पास भी माशाल्लाह से पांच अंडे हैं। देखें मेरे ख्याल खून भी लगा हुआ है इसके ऊपर। तो दोस्तों ये नीचे वाली कॉलोनी में आ गए हैं, ये देखें इसमें आपको दिखाते हैं बच्चे। ये एक ही नीचे बच्चा बैठा हुआ है, और वो कोने में बच्चे हैं, ये जो दाना गा रहे हैं ये भी बच्चे हैं। ये रहे एक, ये भी आपको और भी दिखाते हैं। तो दोस्तों ये देखें माशाल्लाह से इसके बाद बच्चे हैं, दो बच्चे हैं बड़े बड़े हो गए। और बाकी इससे कॉलोनी में जो हमारे पास दो ही कुलियाँ लगी हुई हैं, ये आपको दिखाएंगे। दोस्तों हमने आपको टोटो दिखाया, उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अभी हम आपको खरगोश भी दिखा दें, देखें माशाल्लाह से ये अंगोरा खरगोश है। उस दिन मैंने आपको बस थोड़ी सी झलक दिखाई थी इनकी, देखें माशाल्लाह से, साइज़ चेक करें आप, माशाल्लाह से इसका साइज़ चेक करें आप। ये अभी इस मादी ने एक दफ़ा बच्चे भी दिए थे, जो तीन चार हैं ये इसके बच्चे हैं। ये देखें जैसे ये दो हैं, छोड़ दो उसको, ये एक है, ये मादी है, ये भी मादी है, और ये तीन इसके बच्चे हैं। ये देखें मादी का साइज़ दिखा, ये देखें मादी माशाल्लाह से, और ये दो बच्चे हैं। ये देखें दोस्तों माशाल्लाह से बहुत इनके अभी बाल वाल भी काफ़ी सेट हो गए सिल्की, वरना बहुत इनके बालों में ना गुठलियाँ बन जाएंगी, जैसे ऐसे गुठलियाँ होती हैं ना वैसी पूरी बालों में बन जाती हैं। जैसे अगर आप इनको केज में रखते तो ये जैसे केज में जैसे ट्रे वाला केज है, जैसे इसमें रखते तो गुठलियाँ बन जाती हैं। जैसे हमने थोड़ा हुआ यहाँ पर, तो जो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद भी आई होगी। उम्मीद है कि तो इस वीडियो को लाइक करें, कॉमेंट करें, शेयर करें, और हमारे चैनल